नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव से शहर तक में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी एक्टिविटी की एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है, और उसके उसको हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा था अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि कब और कैसे हमारी एप्लीकेशन बिहेव करती है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि ऐप आइकन कैसे सेट किया जाता है। जो हम इंस्टॉल करते हैं अपना एप्लीकेशन, तो आप देखते होंगे कि एक आइकन दिखता है आपके मोबाइल पे, तो वो आइकन कैसे हम सेट करते हैं, हम अपना आइकन कैसे लगा सकते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे ऐप आइकन और स्प्लैश स्क्रीन सेट किया जाता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये आपके सामने जो है, जो हम लास्ट टाइम में जो एप्लीकेशन क्रिएट किए थे जिसमें एक्टिविटी लाइफ साइकिल को जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए थे, उसी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग लगा के देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देख रहे होंगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर ढेर सारे फोल्डर्स दिए गए हैं। इनमें से क्या करेंगे, एक एक फोल्डर के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये देखना है कि हमारे अभी ऐप जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें कौन सा आइकन जो है अभी लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इसे रन करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को, और रन करके हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा आइकन हमारे डिवाइस पर दिखता है। तो ये देख रहे होंगे कि ये रन करने का बटन है जो कि प्ले जैसा बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि ये वर्चुअल डिवाइसेज हैं। जब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करेंगे, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं कि आप वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं और उस पर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन, एक जो है वर्चुअल डिवाइस सेलेक्ट कर लिया और उस पर अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। और हमने रन कर दिया, और उसके बाद जो है आप देख पाएंगे वहाँ पर, ये देखिए प्रोग्रेस बार चल रहा है। यहाँ पे जब तक कि एप्लीकेशन हमारी रन नहीं कर जाती तब तक ये चलता रहता है। इसी स्टेटस का हम वेट करेंगे। जब हमारा एप्लीकेशन रन कर जाएगा तो जो है आपके सामने से ये जो प्रोग्रेस बार है वो हट जाएगा। देखिए हट गया, तो हमारी एप्लीकेशन क्या कर गई है, अब रन कर गई है। ये आपका एमुलेटर है, जो वर्चुअल डिवाइस है उसको एंड्रॉयड की भाषा में हम एमुलेटर बोलते हैं। अब इसको दोस्तों, जो हमारा ऐप आइकन है वो हमारे डिवाइस पर दिख रहा होगा, तो इसको हम बैकग्राउंड में ले जाते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा जो है ऐप आइकन है, आप देख रहे होंगे कि इसका नाम है एक्टिविटी लाइफ साइकिल, एक्टिविटी लाइफ साइकिल है। तो ये हमारा जो है ऐप आइकन है। अब इसी ऐप आइकन को अगर हमें अपना ऐप आइकन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देख रहे होंगे ढेर सारे फोल्डर्स हैं। तो इसमें हम लोग ऐप नाम के फोल्डर पर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। इसके बाद जो है SRC नाम का एक फोल्डर है, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद मेन फोल्डर है, इस मेन फोल्डर को एक्सपेंड करेंगे, और इसके अंदर एक रिसोर्स नाम का फोल्डर है। उस रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जो है जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सारी रखी जाती हैं। जो भी हमें कोई अपना इमेज डालनी हो, जब भी कोई हम कोई इमेज लगानी हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम लोग भी यहीं पे अपनी इमेजेस को रखेंगे। और यहाँ पर आप ड्राइवेबल फोल्डर देख रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली जो सारे इमेजेस हम लोग डालते हैं। और ये सारे जितने फोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये एंड्रॉयड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के जो है स्क्रीन्स आती हैं, तो उनके लिए अलग अलग आइकन्स लगाए जाते हैं, तो इसलिए ये फोल्डर बने हुए हैं। अभी हमारे पास जो आइकन अभी दिख रहा था आपको आपके डिवाइस पे, तो वो SDPI फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं। अब ये देख लेंगे, ये देखिए यही फोल्डर यही आइकन आपको दिख रहा था, और अभी राउंडेड आइकन भी आने लगे हैं, तो आप राउंडेड आइकन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन हमें अपना आइकन लगाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर वन, कि आप चाहें तो यहाँ पे iclauncher.png नाम से ही आप अपने आइकन का नाम रख लें, जो आपके पास इमेज बनाई है आपने, और इस फोल्डर के अंदर ला करके पेस्ट कर दें आपको, यानी ओवरराइट कर दें। एक तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद अपना कोई जो है आइकन लगाएं और इसको न छुएं, न टच करें, तो आप ड्राइवर फोल्डर में लगा के भी और यहाँ का पाथ दे देंगे तो आपका जो है आइकन सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ये अपने पास यह है एक जो है आइकन है, इस आइकन को हम लोग कॉपी करेंगे और उसके बाद अपने एप्लीकेशन इस ड्राइवर फोल्डर में पेस्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह से ये पेस्ट हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे कि इसका जो है पाथ जहाँ भी लिखा गया उसको सेट करेंगे। तो कहाँ पर लिखा जाता है ये आप एक मेन फाइल होती है यहाँ पर, उसके पास उसमें जाना होगा आपको। तो ये देख रहे होंगे android manifest.xml, यह इसकी मेन फाइल जहाँ से एग्जीक्यूशन हमारे एप्लीकेशन का स्टार्ट होता है। यहाँ पे और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऐप आइकन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आइकन लिखा हुआ है,
MIP मैप ऐसी लॉन्चर, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना अपना जो है आइकन डाल देंगे जो भी है। तो यहाँ पे अभी हम कहाँ पे ड्राइवर फोल्डर में हम लोगों ने रखा है अपना अपने इमेज को, तो ये ड्राइवर फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। तो @driver और अपने आइकन का नाम हम दे देंगे यहाँ पे। आइकन का नाम है हमारे क्रिस्टमस कैप। ये हमारा आइकन आ गया। और यहाँ पे राउंडेड अगर आपका है तो यहाँ पे राउंडेड आप दे सकते हैं। अगर अगर लेटेस्ट आपका एमुलेटर है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, दोनों जगह हम चेंज कर लेते हैं। ड्राइवर क्रिस्टमस कैप, ठीक है। अब अपनी एप्लीकेशन को हम रन करते हैं और देखते हैं क्या ऐप आइकन सेट हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा एप्लीकेशन रन कर गया। अब इसके जो है बैकग्राउंड में ले जाते हैं इस एप्लीकेशन को और देखते हैं। ये देखिए हमारा आइकन चेंज हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग जो है ऐप आइकन सेट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों अगर पसंद आई है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर डालें जिससे हम अपनी वीडियो को बनाने में और इम्प्रूव कर सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर डाली जाने वाली जितनी भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचें, आप सबसे पहले देख पाएँ, तो इस बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।